तो आज हम बनाएंगे खांडवी। खांडवी जो होता है वो खाने में बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये छाछ ले लिया है, आप दही ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने 1/3 कप बेसन लिया है, आधा इंच अदरक, 3 हरी मिर्च और स्वाद अनुसार नमक। अगर आपको तीखा नहीं पसंद तो आप हरी मिर्च स्किप कर सकते हो। तो ये बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक मिक्सी जार लेना है, उसमें हम ये अदरक, ये हरी मिर्च और ये बेसन डाल लेंगे, साथ ही नमक भी डालेंगे। उसके बाद हम ये छाछ को इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर ग्रेंड करेंगे, एक ही साथ नहीं डालना है, हम इसे पीस लेंगे। तो देखिए ये स्मूथ बैटर रेडी हो गया है। इसमें हम ये छाछ थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, अभी इसको मिक्स करके अच्छे से ये सारा मिक्स कर लेना है। मैंने मिक्सर में इसके लिए कहा था ग्रेंड करने के लिए, क्योंकि हमने अदरक डाला है और मिर्च भी डाला है, तो हमें वो पीसेस नहीं आने चाहिए। मिक्सर में आप करोगे तो उससे कैसा होगा कि वो अच्छे से इसमें ग्राइंड हो जाएगा। इसके लिए अब ये हमारा मिक्सर रेडी है। इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, 1/4 हम इसमें हल्दी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। है अब हम एक गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे। तो हमारा ये कढ़ाई गरम हो चुका है, अब इसमें हम ये मिक्सचर ऐड करेंगे। सारे घोल को हमें अच्छे से इसमें डाल लेना है और इसे हमें हाई फ्लेम पे पकाना है। जब तक ये थिक बैटर नहीं होता तब तक हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से पका लिया है। ये इतना थिक होना चाहिए और जब ये गर्म होता है हम तभी इसे एक प्लेट में लगाएंगे, पीछे से थाली प्लेट जो भी आपके पास हो। तो ऐसा एक प्लेट ले लेंगे हम, जब ये गर्म होगा हम तभी इसे फटाफट इसमें डालेंगे। इसे ये प्रोसेस को आपको गर्म में ही करना है, ठंडा होने के बाद चिपक जाएगा, तो इस बैटर को ठंडा नहीं होने देना, हमें ढक देना है। ऐसे एक चम्मच की सहायता से आप ऐसे इसे फैला दीजिए चारों तरफ, अच्छे से चारों तरफ फैला लीजिए। पतली लेयर देना है हमें, इसे मोटा नहीं रखना है। इसी तरह हम सारे बैटर को प्लेट में से लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पर सारे प्लेट में लगा लिया है, इसे हम ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसे कट करेंगे। अब हमारा ये ठंडा हो चुका है, अब इसे हम कट कर लेते हैं। अब इसे फोल्ड करेंगे हम, एक साइड को ऐसे लेंगे। एक एक रोल करेंगे, ऐसे रखेंगे, वापस सेम ऐसे ही लेंगे।
देखिए कितना इजी में आ रहा है। देखिए ऐसे रोल बनाना है हमको सारा। सेम प्रोसेस वापस, बस ऐसे हमें रोल करना है और उसे प्लेट में रखना है। इसी तरह हम सारे बैटर को, इसी तरह हम सारे खंडवी को हम ऐसे रोल रोल करेंगे और ऐसे हम प्लेट में रख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने सारी खंडवी को निकाल लिया है, अब इसे हम तड़का देंगे। आइए हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो तड़के के लिए हमने यहाँ पर गैस पर तड़का पैन चढ़ाया है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। इसमें हम राई डालेंगे, तो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम राई ऐड करेंगे। के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब इस तड़के को हम इस खंडवी में ऐड करेंगे। अब इसे हम तड़के को ऊपर से सारा डाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे अच्छे से डाल लिए हैं, जो एक्स्ट्रा बच गया वो साइड कर दिया है। तो उसके ऊपर से हम थोड़ा हरा धनिया डालेंगे गार्निश के लिए। और यहाँ पर मैंने फ्रेश कोकोनट को ग्रेट करके रख लिया है, वो भी हम डालेंगे। तो लीजिए फ्रेंड, हमारी खंडवी रेडी है। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट करिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।